IAS जगन मोहन रेड्डी को आजीवन पार्टी अध्यक्ष चुना गया। जगन वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जगन को पिछली बार 2017 में पार्टी के सम्मेलन में YSRC का अध्यक्ष चुना गया था। YS जगन मोहन रेड्डी को शनिवार को युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी का आविजन अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर यह प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले पार्टी के संविधान को संशोधित किया गया ताकि जगन को आजीवन अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सके। जगन ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 2011 में YSRC का गठन किया था और तभी से वह पार्टी के अध्यक्ष है तथा उनकी मां विजयम्मा मानद अध्यक्ष रही है। जगन को पिछली बार 2017 में पार्टी के सम्मेलन में YSRC का अध्यक्ष चुना गया था। परिवार में कथित मतभेद के चलते विजयम्मा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि विजयम्मा ने कहा कि वह अपनी बेटी शर्मिला का साथ देने के लिए YRS छोड़ रही है। शर्मिला पड़ोसी राज्य में YRS तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष है। जगन को आजीवन पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखने के लिए YRC को अब निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी होगी ताकि प्रत्येक 2 साल पर इस पद के लिए पार्टी को चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़े।